एंड वेलकम टू द क्रिसमस शो, जहां मैं और आप मिलकर क्रिसमस की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। क्रिसमस की कहानी के बहुत से हिस्से हैं और हर हिस्सा हमें यीशु की पैदाइश के करीब लेकर जाता है। तो बिगर स्टोरी, ये हिस्सा मुझे खुदा के प्यार के बारे में बताता है। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो फाइनली यीशु के पैदा होने का वक्त नजदीक आ गया। यीशु के पैदा होने से कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तुस ने हुक्म जारी कर दिया कि सब लोगों की काउंटिंग की जाए, ताकि पता लगाया जाए कि इस मुल्क में कितने लोग रहते हैं। इसके लिए सबको अपने बाप दादा के शहर जाना था, ताकि वो अपने नाम लिखवा सके। तो यूसुफ भी गलील के छोटे से शहर नाजरत से बैतलहम जाने के लिए निकले। बैतलहम उनके बाप दादा दाऊद का शहर था। बैतलहम पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दूर दूर तक बहुत भीड़ है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब अपने खानदानों के साथ अपने अपने नाम लिखवाने आए थे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कितना ओवरक्राउडेड होगा, और शायद रश की वजह से लोग एक दूसरे को थक्के भी दे रहे होंगे, क्योंकि बैतलहम एक छोटा सा शहर था और मरियम, उनके लिए इस सब से गुजरना कितना मुश्किल होगा। मरियम और यूसुफ बैतलहम में ही थे कि यीशु के पैदा होने का टाइम आ गया। इसका मतलब ये था कि उनको फौरन रुकने की जगह ढूंढनी थी, मगर मर्दमशुमारी की वजह से बैतलहम में उन्हें कोई कमरा खाली ना मिला। इस सब में मरियम और यूसुफ कितने परेशान हुए होंगे, उन्होंने कितने लोगों से मदद मांगी होगी और कितनी सर्दी होगी वहाँ। लेकिन यीशु का पैदा होना खुदा के प्लान में था, और इसलिए खुदा ने एक रास्ता निकाला। एक नेक आदमी मिला जिसके पास कोई खाली कमरा तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा अस्तबल था जहाँ उसके जानवर रखे थे, और उसी अस्तबल में यीशु पैदा हुए। मैं ये सोचती हूँ कि एक बादशाह का अस्तबल में पैदा होना कोई नॉर्मल बात तो नहीं, क्योंकि बादशाह तो महलों में पैदा होते हैं, लेकिन यीशु एक खास बादशाह थे। वो बाकी बादशाहों से अलग थे। जब यीशु पैदा हुए, मरियम ने उन्हें कपड़े में लपेटकर एक चन्नी में रखा। जी हाँ, वही चन्नी जिसमें जानवर चारा खाते थे। मगर अब उस चन्नी में बादशाहों के बादशाह थे, एक ऐसे बादशाह जो हम सब पर हुकूमत करने नहीं बल्कि हम सबको गुनाह से बचाने इस दुनिया में आए। यीशु के पैदा होने पर जब्राइल कुछ खास लोगों के पास गए और यीशु की पैदाइश के बारे में उनको इन्फॉर्म किया, और बहुत से लोग यीशु बादशाह को वेलकम करने के लिए जमा होने लगे। कितनी हैरानगी की बात है कि ये सारी बातें पहले लिखी हुई थी और अब पूरी हुई। यही खुदा का प्लान था। तो क्यों ना हम इस बात का शुक्र करें कि खुदा का प्लान हमें निजात देने का था। खुदा बाप, थैंक यू कि आपने यीशु को मेरे लिए भेजा और मुझे हमेशा की जिंदगी बख्शी। आमीन। सूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है। कैसर ने हुक्म दिया सब अपने बाप दादा के शहर मर्दमशुमारी करवाए, यूसुफ था दाऊद की नस्ल से जाना पड़ा बैतलहम उसे, और यीशु पैदा होने वाला था बैतलहम में उस दुनिया मिली जगह। पर खुदा का इंतजाम देखो, अस्तबल में बादशाह का बादशाह देखो, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है। जब्राइल फरिश्ते ने यीशु के पैदा होने पर लोगों को खुशखबरी ये सुनाई, तुम्हारा निजात इंदा पैदा हो गया है अस्तबल में, और देखो यीशु पैदा हो गया
हमें उसको ना मिली जगह, पर खुदा का इंतजाम देखो, अस्तबल में बादशाह का बादशाह देखो, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है, खूबसूरत चरनी में बादशाहों का बादशाह है। हाय फ्रेंड्स, क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस, वही हमारी सेलिब्रेशन का रीजन है। क्रिसमस के सीजन में हम गिफ्ट देते हैं और रिसीव करते हैं। सैंटा जिसका सुनते ही हम गिफ्ट का सोचते हैं, राइट? आप सोचते होंगे कि बाइबल में तो सैंटा का जिक्र ही नहीं है। दैट्स राइट, जब यीशु पैदा हुए तब सैंटा नहीं थे। बहुत साल पहले एक शख्स थे जिनका नाम सेंट निकोलस था। वो रेड और वाइट कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को गिफ्ट देते थे। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से हम आज भी एक दूसरे को क्रिसमस पर तोहफे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मनाएंगे ये फन और क्यूट सा सैंटा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्राफ्ट विद क्राफ्टकारी। इसके लिए हमें चाहिए एक शीट, एक कार्डबोर्ड का पीस, पेंसिल, ग्लू, सीजर्स, ग्लिटर शीट, सम स्ट्रिंग्स एंड सीडीज। सबसे पहले हम एक कोई भी पुरानी सीडी ले लेंगे एंड उसको हम इस स्किन कलर की शीट पे ट्रेस कर लेंगे। हमें सेम साइज के दो सर्कल्स बनाने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये आ गए हमारे दो सर्कल्स। अब हम इनको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी सीजर से काम करें तो मेक श्योर आपके साथ कोई बड़ा हो, बिकॉज सीजर्स कैन बी डेंजरस। ये आ गया हमारा एक सर्कल। इसी तरह से हम दूसरा सर्कल भी काट लेंगे। ये पेपर अब हम इस सीडी के ऊपर स्टिक कर देंगे। इसी तरह से हम इसकी ऑपोजिट साइड पे भी स्टिक करेंगे। ये हमारे सैंटा का फेस होगा। हमारा सैंटा अपनी हैट के बगैर इनकम्प्लीट है, तो हम उसकी हैट के लिए लेंगे ग्लिटर शीट। और साइड से उसके हैट को लॉन्ग कर देंगे। ये हमारे पास सैंटा की हैट आ गई। अब हम इसको इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम इसकी मुस्ताश बनाएंगे और इसी पेपर के ऊपर हम एक नोज बनाएंगे।
ये हमारे पास एक मुस्ताश आ गई। अब हम इसको सांता के फेस पे स्टिक कर देंगे। ये हमारी नोज रेडी है। अब हम इसको सांता के फेस पे स्टिक कर देंगे। अब इसकी आईज के लिए मेरे पास यहाँ पे दो गूगली आईज पड़ी हैं। हम इनको भी विद द हेल्प ऑफ ग्लू सांता के फेस पे स्टिक कर देंगे। ये हमारे पास बेसिक फेस रेडी है। अब हम बनाएंगे इसकी बियर्ड और उसके लिए हमें चाहिए कॉटन रोल्स। अब मैं यहां से एक स्ट्रिंग लूंगी और उसको सांता के बैक पे स्टिक कर दूंगी। सो एज यू कैन सी आवर सांता इज रेडी। और अब हम इसको किसी भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। याद रखें, यीशु का दुनिया में आना हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो फ्रेंड्स, आप भी क्राफ्ट बनाकर अपनी फोटोज हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय फ्रेंड्स।